हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया अबाउट 25 लाख रुपीस। इससे पहले मैंने अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स का एक वीडियो बनाया है अंडर 25 लाख रुपीस, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इलेक्ट्रिक कार्स के रिलेटेड भी मैंने 2 वीडियोज बना रखे हैं करंट जो मार्केट में है उन पर, तो उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, इंडिया में अंडर 25 लाख अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स 7 थी और अबाउट 25 लाख भी 7 ही हैं। हाँ तो गाइस, आज की सबसे पहली कार है निसान लीफ। इसकी एक्सपेक्टेड ड्राइव रेंज है 140 किलोमीटर और इसमें 24 kWh की लिथियम आयन बैटरी आती है। इसमें फास्ट चार्जिंग टाइम 1 आवर का आता है 0 to 80% और 6 to 8 आवर्स इसमें होम चार्जर के साथ आते हैं और इसकी प्राइस है 30 लाख रुपीज़। तो चलते हैं आज की दूसरी कार की तरफ जो कि है फोक्सवैगन ID.4। इसकी ड्राइव रेंज है 480 किलोमीटर्स जो कि बहुत ही अच्छी ड्राइव रेंज है। 77 kWh की लिथियम आयन बैटरी आती है और इसका चार्जिंग टाइम 30 मिनट 0 to 80% और 7.5 आवर्स होम चार्जर से 0 to 100%। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 60 लाख रुपीज़ जो कि फोक्सवैगन कार्स जो इंडिया में है उसके कंपेरिजन में हो सकता है थोड़ी सी हाई लगे, पर फीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाने चाहिए अगर इतनी हाई प्राइस रखी है। तो जब आएगी कार तब उसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं आज की तीसरी कार की तरफ जो कि है वॉल्वो XC40 रिचार्ज। इसमें 350 किलोमीटर की ड्राइव रेंज आती है, 78 kWh की लिथियम आयन बैटरी, इसमें 40 मिनट्स 0 to 80% फास्ट चार्जिंग में लगते हैं और 11 आवर्स होम चार्जर के साथ। इसकी प्राइस अराउंड 60 लाख है। अगर 60 लाख की प्राइस रेंज में चार्जिंग टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रह सकता है। अभी जैसे फोक्सवैगन ID.4 है, इसमें केवल 7.5 घंटे लग रहे हैं, 11 घंटे और 7.5 घंटे को कंपेयर करें तो। चलते हैं आज की चौथी कार की तरफ। जिस कंपनी की एक कार है उस कंपनी का इंडिया में बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला की। टेस्ला की फर्स्ट कार इंडिया में होगी टेस्ला मॉडल 3। इसमें 500 किलोमीटर्स की अच्छी ड्राइव रेंज आ जाती है, 75 kWh की लिथियम आयन बैटरी, 30 मिनट 0 to 80% चार्ज और 9 to 11 आवर्स होम चार्जिंग में लग सकते हैं और इसकी प्राइस भी अराउंड 60 लाख ही है। तो ये भी 60 लाख के हिसाब से 9 to 11 आवर्स और फोक्सवैगन ID.4 को कंपेयर करें तो 7.5 आवर्स, तो थोड़ा लगता है कि ऊपर नीचे है। तो कम चार्जिंग टाइम में अपन फोक्सवैगन पे भी जा सकते हैं, पर अगर सेम प्राइस रेंज में टेस्ला की भी कार मिल रही है तो मेरा ओपिनियन तो टेस्ला पे ही जाने का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में अभी दुनिया में बेस्ट नंबर 1 ही टेस्ला चल रही है। चलते हैं आज की पांचवी कार की तरफ जो कि है BMW i3। इसका ड्राइव रेंज अराउंड 360 किलोमीटर के आसपास का मिल जाएगा, 42 kWh की लिथियम आयन बैटरी, 0 to 80% चार्ज 30 मिनट्स में फास्ट चार्जिंग और 6 to 8 आवर्स इसमें नॉर्मल होम चार्जर से लग जाएंगे और इसकी प्राइस रहेगी अराउंड 1 करोड़। इस बार भी प्राइस गैप थोड़ा सा ही फिल हुआ है। जैसे करंट लाइनअप जो है कार्स का उसमें 24.18 लाख जो MGZSEV की है उससे लेकर फिर सीधा जैगवार I-PACE तक है 1 करोड़, तो इतना बड़ा भी नहीं है। पर इस बार भी 30 लाख निसान लीफ, उसके बाद सीधा 60 लाख की जो तीनों कार्स थी उसके बाद सीधा 1 करोड़। 30-40 लाख का प्राइस गैप भी बहुत बड़ा है। कंपनीज आने वाले ईयर्स में भी इन्हें पूरा फुलफिल करने की कोशिश करेंगी। तो चलते हैं आज की सिक्स कार की तरफ जो कि ऑडी ई-ट्रॉन। 328 किलोमीटर का एक्सपेक्टेड ड्राइव रेंज है, 87 kWh की लिथियम आयन बैटरी, 30 मिनट 0 to 80% फास्ट चार्ज, अराउंड 8.5 आवर्स इसमें होम चार्जिंग में लगेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 1.5 करोड़। तो चलते हैं अब अपनी आखिरी कार की तरफ जो कि है पोर्शे टैकन। इसकी एक्सपेक्टेड ड्राइव रेंज है 410 किलोमीटर्स और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 93.4 kWh लिथियम आयन, जो कि बहुत ही बढ़िया है और इसमें फास्ट चार्जिंग टाइम 40 मिनट्स लगता है 0 to 80% और अराउंड 8 आवर्स इसमें होम चार्जिंग के साथ लग जाएंगे और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड 2 to 4 करोड़। अब की बार थोड़ा गैप फिल करा है,
आगे और कंपनीज बीच के जो गैप्स हैं 30-40 लाख के, जैसे 30-60 लाख का गैप, 60-1 करोड़ का गैप, वो सब कंपनीज आके फिलअप कर देंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।